और जो जितने पीछे तक है या अनावश्यक तौर पर यहाँ पर तो वो अल्लाह ना करे। आशियानों को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर Do you know what is happening in Uttarakhand Haldwani railway station? तकरीबन 29 एकड़ जमीन, इसको बताया जा रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट कहता है कि ये हमारी ज़मीन है, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वो जो वहाँ पर रह रहे हैं, तकरीबन 7 decades से वहाँ पर लोग रह रहे हैं, अपनी पुश्तों से वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर वो लोग टैक्स दे रहे हैं, वहाँ पर वो वाटर टैक्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, और उसके बावजूद वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स हैं, बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो हाल ही में जो उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है अथॉरिटीज़ को कि वो इमिडिएटली डेमोलिश किया जाए और डेमोलिश करके क्लीन करके वो अथॉरिटीज़ रेलवे डिपार्टमेंट को दिया जाए। तो यहाँ पर जो लोकल्स का कहना है कि ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, कई सालों से हम लोग रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे दादाजाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लगा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे हम उन्हें, बताओ? हम कहते हैं हमारी गुराइश थी, हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम हाथ जोड़ के देते हैं। हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम इन मासूमों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके पढ़ेंगे? आप ही बताइए हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हमें हम लवारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा, आप पहले खुदा है, नीचे ये है, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएंगे, सब बिखर जा रहे हैं, हम दादा की तरह बिखर जा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं सब पूजा। नैनीताल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है 20 दिसंबर 2022 को, जिसमें हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के साथ जो कपूर बस्ती है उस पे जो मकानात बने हैं और बिल्डिंग्स बनी है उसके एविक्शन और डिमोलिशन का ऑर्डर दिया है। और उसी सिलसिले में कुछ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई जो हमने आज मेंशन करी है सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जेंट हेयरिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हेयरिंग के लिए 5 जनवरी की डेट दी है, क्योंकि 1 जनवरी को ज़िला प्रशासन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है ज़मीन खाली करने के लिए, वो पूरी गफूर बस्ती खाली करने के लिए और आसपास का इलाका जिसे वो कहते हैं कि अनऑथराइज इनक्रोचमेंट है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी की हेयरिंग की डेट दी है, क्योंकि 8 जनवरी तक टाइम दिया है उसे खाली करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई राहत मिलेगी। कुछ याचिकाएं हम और आज और कल में फाइल कर रहे हैं जो 5 जनवरी वाले दिन उस मेन मैटर के साथ टैग हो जाएंगी। तो देखिए 5 जनवरी को क्या होता है, दुआ करिए। बहुत शुक्रिया।